हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जीडीएस फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में फ़ोटो को रिटच कैसे करते हैं एंड फेस स्मूथिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट्स बाजी मत कीजिएगा प्लीज़। वीडियो को पूरा देखें और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया फ़ोटोशॉप में। सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करके ये हमारा डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा, ठीक है। ये डुप्लीकेट लेयर मैंने कर लिया है। अब चलते हैं हीलिंग ब्रश टूल पे। हीलिंग ब्रश टूल को लेते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसका साइज वगैरह को। अब अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा आपके फेस पे ज़्यादा पिम्पल्स हैं तो आप जूम करके भी कर सकते हैं। इन डार्क सर्कल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये पिम्पल्स वगैरह, इनको अच्छे से जूम करके आप इनको अच्छे से रिटच और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी दिख रहे हैं आप इनको गायब कर लीजिएगा, हटा लीजिएगा, रिमूव कर लीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपकी फ़ोटो एंड फेस अच्छी तरीके से रिटच होगा, ठीक है। ये देखिए, इस लड़की पे फेस पे इतने सारे पिंपल्स थे, दिखाता हूँ अभी, इतने थे, अब देखिए सारे गायब हो चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत रह गया है, वो अभी गायब हो जाएंगे सारे पिंपल्स। देखते रहिएगा वीडियो को। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। ये देखिएगा, अब एक भी पिंपल नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर आप गौर से देखेंगे तो एक भी पिंपल नहीं दिख रहा है। ये देखिएगा, आप बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ये भी अच्छी ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं एक और बताने जा रहा हूँ। एक और डुप्लीकेट लेयर कर लीजिए, कंट्रोल जे। अब करते हैं कंट्रोल आई। अब नॉर्मल जो ब्लेंडिंग मोड है इसको चेंज करते हैं हम, इसमें करते हैं विविध लाइट, ओके। फिर उसके बाद चलते हैं हम फिल्टर में, फिल्टर में चलते हैं अदर, हाई पास, ठीक है। हाई पास को इतना बढ़ाएंगे, देखते हैं कितना सही लगेगा। इतना ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, इतना 7.0, ठीक है, ओके करते हैं। अब उसके बाद फिर चलते हैं फिल्टर में। फिल्टर में चलने के बाद गॉशन ब्लर, ब्लर और गॉशन ब्लर, ठीक है। इसकी रेडिएशन को कम करते हैं, ठीक है। देखिए 1.1, ठीक है, ओके करते हैं। अब हम करेंगे अल्ट को प्रेस, मार्क्स करेंगे, ठीक है, लेयर को मार्क्स करेंगे अल्ट प्रेस करके। आप यहाँ देखिएगा, ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब वो ब्रश वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है। याद रहे कि जो कलर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये दिखेगा साइड में, ब्लैक एंड वाइट और होनी चाहिए। अगर ब्लैक एंड वाइट अगर इस तरीके से हो गया तो आपको ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ही होना चाहिए, तभी आपका फेस पर ये वर्क करेगा, ये वाली ट्रिक, ठीक है। एक्चुअली इस कलर को ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अगर इसकी जगह हम और कोई सा अदर कलर ले लेते हैं, जैसे कि रेड ले लिया मैंने, तो अब इस पर वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हमको ये वाइट ही रखना है। ये देखिएगा कितने अच्छे तरीके से रिमूव फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है। देखिएगा काफ़ी अच्छा ये ट्रिक है। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगती है तो ये वाली ट्रिक अपना लीजिएगा। अगर आपको ये दोनों ट्रिक अच्छी लगती हैं तो आप दोनों भी ट्रिक फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये देखो बिफोर आफ्टर करके दिखाता हूँ, देखिएगा कितना फर्क दिख रहा है अभी फिलहाल में फेस पर। पहले इस तरीके से था, फिर ऐसा ऐसा हो गया। चलो मैं इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए ताकि यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अगर ये देखिए, मैं आपको पहले बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, पहले ये किस तरीके से थी और अब ये किस तरीके से हो गया। ये देखिए, आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी फोटो एडिटिंग को सीख सकें और अपने फोटो को अच्छे से एनहेंस कर सकें और स्मूथ कर सकें। सो थैंक यू गाइस।